ये आधा किलोमीटर हुआ है, फिर दूसरी वाटर क्रॉसिंग। नमस्कार, जोहार दोस्तों, बस्तर वासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस निकल पड़ी है फिर एक नए सफ़र के लिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत होगा। तो हमारा अगला पड़ाव है बाहुबली फेम वाटरफॉल, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहा जाता है। जी हाँ, हम चल रहे हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन से भरे हुए रास्ते में है। देखिए मेरे सामने ये जो नदी आ रही है, इंद्रावती है, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह को कहते हैं छिंदनार। और यहाँ पे कभी अभी नया पुल बना है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे है और काफ़ी समय आप यहाँ पे अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जगदलपुर से निकलना होगा, गिदम होते हुए आप छिंदनार पहुँच सकते हैं। और यही जगह इतनी खूबसूरत है, तो हांदावाड़ा तो आप सोचिए कितना खूबसूरत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हांदावाड़ा। और जो नया है सब्सक्राइब करिए, जो पुराने हैं भाई लाइक कमेंट शेयर दबा के करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हांदावाड़ा। इस जगह, इस सुंदर जगह को देखने की हमारी जो हसरत थी वो इसलिए पूरी हो पाई क्योंकि ये पुल बना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिसने पुल बना के दिया है। और दूसरा पीछे वो कैंप है, तो जवान रात दिन जो डटे रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से ये संभव हुआ। और यहाँ के लोकल लोगों को, जिनको बहुत सारा साधुवाद, जो इस पुल बनाने के लिए अपना श्रमदान किए। दोस्तों हुआ यूँ कि जब हमने हांदावाड़ा का प्लान बनाया, तो हमें मालूम था हांदावाड़ा काफ़ी दुर्दांत क्षेत्र है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, सामान्यतः लोग अवॉइड करते हैं ऐसी जगह जाना, क्योंकि हम जाते रहते हैं इसलिए हमको थोड़ी सी आदत भी है। तो कोई दिक्कत तो नहीं था, लेकिन थोड़ा तो एक मन में था एक भय कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी हम गए और हमने जो प्लान किया था उसके अनुसार हमें सुबह 7 बजे निकल जाना था, पर हमें लेट हुआ और हम 9:30 बजे निकले यहाँ से। हमारी एक गलती हो गई, उसके बाद हमें जो था रास्ता पूछते हुए जाना पड़ रहा था क्योंकि पहली बार जा रहे थे, तो उसके कारण हमें लेट तो हुआ, लेकिन हम सही समय पर पहुँच गए और वहाँ से सही समय से निकल भी गए। क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, इसलिए हमने उसे फॉलो किया और सही समय पर वहाँ से निकल गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हांदावाड़ा की लोकेशन क्या है। हांदावाड़ा जगदलपुर से लगभग 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे गीदम है और गीदम से कुल 35 से 40 किलोमीटर दूर हांदावाड़ा है। इसमें मैं उस क्षेत्र को उसको नहीं शामिल कर रहा हूँ जो आगे वीडियो में आप देखेंगे, जो हमने पैदल चढ़ाई की है उसको छोड़ के। तो लगभग 120 से 125 किलोमीटर हांदावाड़ा जगदलपुर से पड़ता है, काफ़ी दुर्दांत और ख़तरनाक एरिया है। और मुझे लगता है यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, आने वाले समय तक आप अपनी 4-व्हीलर से हांदावाड़ा तक पहुँचेंगे। हमने एक गलती की थी, हमने लंबा रास्ता ले लिया था, अभी रास्ता इंडिकेट करूँगा तो उस रास्ते को लेंगे शॉर्ट, तो आप 1 किलोमीटर पहले तक हांदावाड़ा पहुँच जाएंगे। सिर्फ 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा और हमारी तरह चलेंगे तो लगभग 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। अभी हम हांदावाड़ा के रास्ते पे हैं और मस्त हल्की मध्यम और गुनगुनी हवा बह रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, दिख नहीं रहे होंगे क्लियर। ये हम जिस जगह में हैं, इस जगह को कोई चेरपाल बोलते हैं। और सामने देखिए गोंड जो होते हैं यहाँ के, उनका घर बना हुआ है, गोंड जनजाति के लोगों का, माड़िया जनजाति भी कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत इलाका है लेकिन काफ़ी बीहड़ है। दुर्गमता देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितने सेंसिटिव इलाके में हैं, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। और सामने बड़े बड़े पहाड़ खूबसूरत, लेकिन सेंसिटिव तो है, इतना तो मानना पड़ेगा। अब हम मुख्य पगडंडियों को छोड़कर खेत वाली पगडंडियों में आ चुके हैं और इलाके की बीहड़ता और दुर्गमता काफ़ी है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना है और हम आगे बढ़े जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसा होगा रास्ता। क्रॉस कैसे करेंगे, चला के और कैसे क्रॉस करेगा। चल उतरना पड़ेगा, जूते खोलने पड़ेंगे भाई जूते। ये है पहली वाटर क्रॉसिंग, छोटी है पर मज़ेदार है। कलकल कलकल बहती
अब पत्थर पूरे गोल गोल हैं नीचे जितने भी हैं, इसलिए खाली पैर चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मज़ेदार है। ये देखिए कितना गहरा है। भौगोलिक दुर्गमता काफ़ी है इस वाटरफॉल की, और मुझे लगता है कि आगे जूते पहनने नहीं होंगे। ये देखिए जूते निकाल दिए हैं मैंने, जूते हाथ में लेके चलना होगा। देखिए आधा किलोमीटर हुआ है फिर दूसरी वाटर क्रॉसिंग, और मेरा निर्णय सही निकला कि मैंने जूता नहीं पहना। अब यहाँ पे मदद की आवश्यकता है हमारे काफिले की पहली गाड़ी को, तो मदद भी लगता है मुझे ही देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मदद देते हैं। चलो मैं आ रहा हूँ। देख इधर से ऐसे करके ला और यहाँ से निकाल, है ना। ये सामने जो आप देख रहे हैं मेमोरी पिलर है, और हमारे बस्तर के जो गोंड आदिवासी होते हैं इस तरह के मेमोरी पिलर लगाते हैं अपने परिजनों की याद में। और सामने मेमोरी पिलर है, ये लगभग हर गोंड ग्राम में आपको मिल जाएंगे। वाट अ ब्यूटी, क्या सुंदर जगह है। और देखिए पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज़ है वो भी आ रही है। अभी हम लोग घोर जंगल में हैं और बहुत ही खतरनाक एरिया है, और आपको बता दूं ये रेड कॉरिडोर का हार्टलैंड है, जिसे कहते हैं अबूझमाड़। अभी हम हैं अबूझमाड़ के जंगलों में। दरअसल में जो हांदावाड़ा जगह है ये नारायणपुर ज़िले में आती है, और इसके लिए सबसे आसान रास्ता दंतेवाड़ा ज़िले से होके जाता है। अभी हम नारायणपुर ज़िले में, चलिए पास ही है, 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, कितने देर में पहुँचते हैं देखते हैं। देख रहे हैं आप पत्थरों का ढेर, ये ग्राम देवी देवता के सम्मान में बनाया गया है, और जब भी आप यहाँ से गुजरे तो पत्थर एक छोटा सा उठा के इनके सम्मान में ऐसे डालना चाहिए, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो हर जगह की एक अलग मान्यता होती है, वैसे यहाँ की भी है। तो अच्छा लगा मुझे इनके जो सोर्स होते हैं उसके अनुसार ये अपनी मान्यताओं को भी ढालते हैं। यथाशक्ति यथाभक्ति एक कहावत है, उसी को चरितार्थ करते हुए छोटा सा नाला आया है। और पतझड़, देखिए पतझड़ हो गया। ये देखिए ये टेम्परेरी व्यवस्था, लकड़ी के लट्ठों को काट के रखती है, और यहाँ से आप पार करेंगे नाले को। इन उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पे हम बढ़ रहे हैं, और हमारे पथ प्रदर्शक लोकल गाइड कमलेश भाई ने बताया है कि 1 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, पर ऐसे कई 1 किलोमीटर हम अभी तक छोड़ चुके हैं, पर वो 1 किलोमीटर नहीं आया। मुझे लगता है संभवतः आधा 1 किलोमीटर और चढ़ना पड़ेगा फिर हम पहुंच जाएंगे। और ये जो चढ़ाव है पत्थरों का, ऐसे में थोड़ा डिफिकल्ट होता है रास्ता, बाकी अब सब तो अभी तक ठीक था। उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, कब पहुंचेंगे झरना नीचे। देखो ऐसा बोला गया है कि इस चढ़ाव को चढ़ने के बाद झरना है, पर हमको तो नजर नहीं आ रहा है भाई।
चले जा रहे हैं, पता नहीं उस चढ़ाव के बाद झरना है, अब देखते हैं उस चढ़ाव के बाद क्या है। पहले चढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा। मैं लगभग एक साल पहले प्रतापगिरी भी गया था, उसकी भी चढ़ाई लगभग ऐसी थी, बस फर्क ये था कि इसके रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर हैं जो थोड़ा सा रफ्तार धीमी करते हैं, प्रतापगिरी में ऐसा कम था। बाकी प्रतापगिरी की दूरी ज़्यादा थी, इसकी दूरी जैसा ही लोग बता रहे हैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलने से ऐसा लग रहा है कि लगभग लगभग सेम ही होगा। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा मामला हो गया, हम सीधा पहुंच गए वाटरफॉल के ऊपर। जो रास्ता हमको लेके आया हमारा गाइड कमलेश, वो सीधा वाटरफॉल के ऊपर ले आया है। अब ऐसा बता रहा है कि यहाँ से ये देखिए ख़तरनाक रास्ते से नीचे उतर के हमको वाटरफॉल के नीचे पहुंचना है। बड़ा मामला हो गया ये, तो देखते हैं क्या होता है आगे और कैसे होता है। दरअसल हुआ ऐसा कि हमको आना था नीचे, हम पहुंच गए ऊपर। अभी वो देखिए वहाँ पे लोग खड़े हैं, जूम करता हूँ। ये नीचे यहाँ जाना था और हम ऊपर आ गए, हम वाटरफॉल के टॉप पे हैं, ये देखिए। दोस्तों हांदावाड़ा के बारे में एक बात बता दूं कि आप जब भी हांदावाड़ा आएँ अपने साथ चिप्स या खाने के जो स्नैक्स हल्के आइटम हैं वो काफ़ी मात्रा में लेके आएँ, साथ ही आप पानी की भरपूर मात्रा अपने साथ लेके चलें, क्योंकि यहाँ पैदल तो चलना ही पड़ता है। अगर आप रास्ता भटक जाएँ तो आपके पास पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। और दूसरी बात, यहाँ से कहा जाता है कि थोड़ी दूर में ओरछा है, 10-15 किलोमीटर में पहाड़ी एक क्रॉस करने के बाद, और नारायणपुर पास है, तो इसलिए अबूझमाड़ है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप रास्ता भटक सकते हैं। तो सीधे आएं और सीधे जाएं, ये दो बातों का विशेष ख्याल रखें। कुल मिला कैसा हुआ, हम चले थे देखने हांदावाड़ा और हमारे गाइड ने हमको ले आया हांदावाड़ा के टॉप पे। तो ये झरना हांदावाड़ा का स्टार्टिंग जो है वो दिख रहा है। जो भी हुआ बहुत अच्छी जगह है, देखिए लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। ये लोकेशन मेरे को नहीं लगता है कोई और देख पाएगा, बाय मिस्टेक ही हुआ लेकिन अच्छा हुआ। और बहुत ही खूबसूरत जगह हम पहुंच गए हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए ये वाटरफॉल छोटा है, बहुत प्यारा है। ये हांदावाड़ा का स्टार्टिंग वाटरफॉल है, जनरली कोई देख नहीं पाता। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे, ये हांदावाड़ा का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट आपको दिखाता हूँ। अब जद्दोजहद करनी है नीचे उस जगह उतरने के लिए। उस जगह देखिए कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, बस वहाँ उतरना है, वहाँ से मेन व्यू आएगा हांदावाड़ा का। हो सकता है रात हो जाए और, लेकिन आए हैं तो आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। फिर अगली भाग में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। अब मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम देता हूँ। इस खूबसूरत दृश्य के साथ आप लोगों को छोड़ देता हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये है वो खतरनाक रास्ता जहाँ से हमें उतरना है। भाई उतर रहे कमलेश, वो बताएगा कैसे उतरना है। बहुत ही डेंजर जगह मैं हूँ।